दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं कि फ्लोर पे जो गिरा हुआ पेंट है उसको किस टाइप से साफ करेंगे। जो पेंट गिर चुका है इसको आज बहुत ही इजीली अच्छी तरीके से पूरा साफ करना से वीडियो में बताएंगे। कुछ केमिकल है जिसका देखिए, ये केमिकल का नाम है स्मार्ट पेंट रिमूवर, जिससे पेंट आपका रिमूव हो जाता है, जितना भी ज़्यादा छूट जाता है। तो आज इसी के बारे में बात करते हैं, कुछ सजेस्ट आपको दे देते हैं कि इसको किस टाइप से आप यूज़ कर सकते हैं। तो हम आपको बता रहे हैं कि इसको जब भी आपको यूज़ करना होगा तो इसको पहले ऐसे हिला लेने का रहता है, जिसमें अच्छी तरीके से पूरा मिल जाता है। इसके बाद इसको खोल कर जस्ट आपको डालकर ब्रश से यूज़ करना है। तो वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा, हम आपको दिखाएंगे। और हाथ में ग्लव्स आप लोग जब यूज़ कीजिएगा तो हाथ में ग्लव्स और आँख में चश्मा और मास्क जरूर यूज़ कर लीजिएगा, कहीं बहुत ही इसका जो केमिकल रहता है तो वो इफ़ेक्ट करता है। कहीं आराम से इसको खोलना भी है बहुत आराम से, कि आपको इधर उधर आँख में लगे नहीं। अगर आँख में लगता है तो तुरंत आँख में पानी मार के तुरंत आपको मेडिकल जाना पड़ेगा। तो चलिए वीडियो में आपको दिखाते हैं किस टाइप से इसको आप साफ कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये हम लोग का पत्ती है, ये ब्रश है। कभी भी आप इसको यूज़ कीजिएगा तो ब्रश ज़रूर रखिएगा। इसको आराम से खोल के इसने हम लोग हिला लिए। अब इसको आप घर में टेस्टर से भी यूज़ कर सकते हैं, इसको खोल सकते हैं। अब पेंटर भाई लोग के पास तो पत्ती रहता ही है, उन लोग तो आराम से खोल लेगा। दोस्तों जानकारी इसलिए दे रहे हैं कि देखिए, कोई भी आपको अगर प्रॉब्लम ना हो इसमें आराम से, हम लोग एक जगह नहीं वो जगह साफ कर चुके हैं, उसके बाद आप ये वाला वीडियो बना रहे हैं। तो देखिए ये जो आपका इस टाइप से उठता है, ये सब जो अभी लगा बहुत जल रहा है, तो इसको आप आराम से आँख सबको बचा के यूज़ करना है। तो इसको ऐसे डालकर जितना आपको यूज करना लगना है, जितना आपका फ्लोर में है उस हिसाब से आपको इसमें डब्बा में डालना है, फिर ब्रश से यूज़ करना है। देखिए और ये दोस्तों इतना याद रखिएगा, ये हम आपको अभी फ़िलहाल फ्लोर जो दोगा पेंट रहता है उसके लिए ही बता रहे हैं। जस्ट एक वीडियो आपका उसके लिए भी बना देंगे, टाइल्स के ऊपर किस टाइप से आप साफ कर सकते हैं। इसको अप्लाई करने के बाद आप इसको 10 से 15 मिनट छोड़ देना है, जहाँ जहाँ आपको ये करना है, उसके बाद ये अपना काम करना शुरू कर देगा। ये देखिए इसको हम लोग 10 मिनट छोड़ देंगे, फिर 10 मिनट के बाद आपको दिखाएंगे। 10 से 15 मिनट मिनिमम, आप इसको 5 मिनट छोड़ सकते हैं, मैक्सिमम 15 मिनट, उसके बाद आप इसको यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों मिनिमम अभी 5 मिनट हो चुका है, तो हम लोग अभी 5 मिनट के बाद दिखा रहे कितना आसान से ये वाला साफ होता है। ये पुट्टी मारने वाला पत्ती है, ये तो आपको हार्डवेयर दुकान में मिल ही जाएगा, और ये भी आपको पेंट दुकान में आराम से मिल जाएगा, पेंट रिमूवर। ये देखिए कितना आराम से छूट रहा है। देखिए कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, इसी तरीक़े से आप भी साफ कर सकते हैं। लेकिन ग्लव्स ध्यान रखिएगा, बार बार आप लोगों को बोला जा रहा है, ग्लव्स और मास्क और चश्मा ज़रूर यूज़ कीजिएगा इसको यूज़ करते समय। देखिए ये आपका पूरा पेंट सब जैसे साफ हो गया है। उसके बाद साफ करने के बाद इसको आप साफ कपड़ा से और पानी से आपको इसको पोंछ देना है। तो ये थोड़ा नया है, तो इसको थोड़ा पेपर से हम लोग साफ कर लेते हैं। जो मेन
पेंट से थोड़ा सा आराम से आपका साफ हो गया। दोस्तों जब फ्लोर साफ हो जाता है इस तरीके से, आप अगर मान लीजिए नया आपका फ्लोर है तो पेंट तो उखड़ जाता है लेकिन थोड़ा थोड़ा चिपका रह जाता है। उसको साफ करने के बाद आपको साफ कपड़ा से कम 3 से 4 बार उसको साफ करना है, थोड़ा देर बार में, नहीं तो उसका आपका पेंट रिमूवर का वाइटनेस रहता है, इसलिए आपको कम से कम 3-4 बार साफ करना है। उसके बाद आपका वो जो भी वाइटनेस रहेगा वो हट जाएगा। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा, आपको यूज़फुल वीडियो लगा कि नहीं लगा और क्या प्रॉब्लम हो रहा है इसको आप इस्तेमाल करने में ज़रूर बताइएगा, कमेंट कीजिएगा। और वीडियो को पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जैसे हमारा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले, क्योंकि घर का मतलब सपनों का घर। धन्यवाद।